नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। शिंजो आबे को गोली मारी गई है। हमले के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हालांकि शिंजो आबे पर हमला करने वाला हमलावर पकड़ा गया है, तो वहीं पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने 9 जुलाई को भारत में राष्ट्र शोक की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे अच्छे दोस्त भी थे और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है, दुख जताया। अचानक हुई इस घटना के बाद सभी आश्चर्यचकित हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और इस घटना पर दुख जताया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चरखी दादरी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम के साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने प्रगति रैली में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी में करीब 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने पिछली बार चरखी दादरी में 200 घोषणाएं की थी। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के झूठे आंकड़े पेश किए हैं। सीएम ने बताया कि 80,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, 5,000 सिपाहियों की नियुक्ति अभी हुई है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि बिना पैसे लिए सभी की नियुक्ति की गई है। आग्रह करती हूं कि सब लोग खड़े होकर के तालियां बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, आपका स्वागत करेंगे और वो सौगात जो आपके लिए लेकर के। मैं सबसे पहले चरखी दादरी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। चरखी दादरी इसका एक विशेष स्थान है। न केवल यहां के लोग मेहनती हैं, प्रदेश के विकास में अपना योगदान किए हैं। एक दूसरा कारण भी चरखी दादरी के बारे में मैं अपना बताता हूं कि मैंने चरखी दादरी को बहुत नजदीक से देखा है। सन 1990 से, यानी 32 साल पूर्व मेरा जा चरखी दादरी से संबंध है। मैं जब सामाजिक कार्यों में काम करता था तो लगातार चरखी दादरी आना जाना होता था। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसकी आय 1,00,000 रुपए से कम है, उसके एक सदस्य को हम काम कराएंगे और उसको काम कराने के लिए हमने मेले लगाए हैं। उन मेलों में लगभग 3.5 लाख परिवारों के लोग आए हैं। 3.5 लाख परिवारों में से 1.5 लाख परिवार ऐसा है जिन्होंने कहा हम कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं। आज बैंकों से, बाकी सरकार की योजनाओं से उनसे बातचीत करनी पड़ती है लगभग 29,000 लोगों को, और हम जो है सैंक्शन करके उनको पैसा दे चुके हैं, उनका रोजगार खड़ा कर। भवानी खेड़ा नगर पालिका के प्रधान पद के चुनाव के लिए 8 जुलाई को चुनाव होना था, जो स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल तहसील कार्यालय पर पहुंचे और उनकी देखरेख में समय पर 15 पार्षदों में से सिर्फ 8 पार्षद मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि करीब 6 माह पहले नगर पालिका प्रधान कांता किरण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 10 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसके चलते नगर पालिका प्रधान कांता किरण को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद उप प्रधान को कार्यकारी प्रधान का पदभार मिला था। 8 जुलाई को इसी को लेकर प्रशासन ने प्रधान पद के चुनाव के लिए वोटिंग की जानी थी, लेकिन मौके पर 15 पार्षदों में से 8 पार्षद ही पहुंचे, जिसके कारण चुनाव को स्थगित करना पड़ा। चुनाव अधिकारी एसडीएम भिवानी संदीप अग्रवाल ने बताया कि नियमों के अनुसार 9 पार्षदों की जरूरत थी, लेकिन चुनाव के समय 15 पार्षदों में से सिर्फ 8 पार्षद ही चुनाव में शामिल हुए, जिसके कारण चुनाव को स्थगित करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि प्रशासन जिस तरह की तारीख तय करेगा उसमें
चुनाव करवा दिए जाएंगे। महेंद्रगढ़ के सतनाली क्षेत्र में मारपीट करने और तेजाब से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखिए, महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली क्षेत्र के सुरेती पिलानिया गांव में 26 जून को एक जानकारी मिली है कि किसी लक्ष्मीचंद नाम के व्यक्ति के ऊपर एसिड द्वारा अटैक किया गया है। तो इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 117 नंबर FIR सतनाली थाने में दर्ज की गई। पेशेंट जब हमारे पास आया तो पूरा जला हुआ था। इसका जो अपना गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा और पूरा फेस, आंखों से उसका देखना कम हो गया था और सांस भी नहीं ले पा रहा था। अर्जेंट में उसको एडमिट किया। 40-50% उसका बर्न है टोटल। उसको बाद में हमने प्लास्टिक सर्जरी के लिए पोस्ट किया और इस सर्वाइवल। बट ये पेशेंट की हालत ज्यादा गंभीर है। सर्जरी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसने नहीं किया। युवती पर तेजाब से हमला किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी। महेंद्रगढ़ का यह मामला जहां पर युवती पर तेजाब से हमला किया गया। और आपको बता दें कि इस हमले में युवती की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उसका इलाज चल रहा है। चलिए पेहवा का रुख करेंगे जहां पर बड़ी खबर आ रही है पेहवा से। आपको बता दें कि डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पेहवा से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक मां और बच्चे की जान चली गई। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी पेहोवा से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, यमुनानगर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लोगों की मौजूदगी में भी वो अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला यमुनानगर के महिंद्रा पेट्रोल पंप का है जहां बाइक सवार दो युवकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसे छीने। वहीं कर्मचारी के विरोध करने पर बदमाश कुछ मीटर की दूरी पर उसे घसीटते हुए ले गए। वहां ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। शहर के बीचों बीच हुई इस घटना ने पुलिस के सामने भी चुनौती पेश की है। हालांकि घटनास्थल से पुलिस की चेकपोस्ट महज 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर आए तेल डलवा के चलते मैंने कहा भाई साहब पैसे दे दो, तो अगले वाले ने मुझे पैसे दिए और पिछले वाले ने मेरे हाथ के पैसे खींच लिए। मुंह में डाटा बांधा सर, तमाम प्रकार के पब्लिक है, ऐसी आती रहती है, मुंह में डाटा बांध रखा। पेट्रोल पंप पर एक स्नेचिंग हुई है जिसमें दो लड़के थे, स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 6-7 हजार रुपए जो बता रहे हैं उन्होंने स्नेच किए हैं। जो चलाने वाला है उसने ग्रीन टी शर्ट डाली हुई है। जो पीछे लड़का बैठा है जिसने स्नेच किया उसने रेड कलर का लोअर और रेड और ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई है। तो सर ये सारी वारदात सीसीटीवी में? हाँ, ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
पियोवा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पियोवा से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। वसाए परिजनों ने हंगामा किया, शव को मेन चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। तो ये बड़ी खबर पियोवा से जहां पर आपको बता दें डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई और वसाए परिजनों ने हंगामा किया, शव को मेन चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। वसाए परिजनों ने इस पर हंगामा किया। ये बड़ी खबर आपके सामने पियोवा से, डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। वसाए परिजनों ने इस पर हंगामा किया और शव को मेन चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। तो ये बड़ी और अहम खबर पियोवा से जहां पर डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने, गुस्साए परिजनों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेन चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने मेन चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया। वाईडी शास्त्री हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वाईडी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस वक्त की, ये किस वक्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और किन कारणों से मौत हुई? जी मोनिका, ये जो मामला कल इनकी जो पूनम सिंह अमृत का, इसका कल डिलीवरी हुई थी यहाँ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, जहाँ उसने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ देर के बाद बच्चे की मौत हुई और रास्ते में दूसरे इसको पोस्ट करते हुए यहाँ से रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी, इसकी जो माता की भी मौत हो गई है, जिसको लेकर के आज उसका पोस्टमार्टम किया गया। परिजन मेन चौक पर के आकर के यहाँ प्रदर्शन अभी भी जाम लगा हुआ है, पिछले एक घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन और मांग की जा रही है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। जी मोनिका, डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आखिर माँ और बच्चे की जो मौत हुई है उसके पीछे के कारण क्या है? आखिर ये जो मामला है पूर्णतः लापरवाही का, जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर ने पिछले 6 महीने से इसका इलाज डॉक्टर की देखरेख में जो इसकी डिलीवरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर की कहीं ना कहीं लापरवाही जो स्पष्ट है, इन्होंने जानबूझ करके उनके जो है बच्चे की और उसकी मां की जान ली है, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर का लापरवाही है। जी पुलिस की तरफ से क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर हुई है? कि यहाँ पे भारी पुलिस बल जो यहाँ खड़ा है, उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है कि जब तक यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन परिजन अड़े हुए हैं कि उनके डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए। जी मोनिका जी, तो क्या जिस तरीके से जो मेन चौक पर प्रदर्शन किया गया शव को रख के, क्या अभी भी वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, भीड़ जुटी हुई है? जी जी, काफी जो इस परिजन है भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ यहाँ जाम लगाया हुआ मेन चौक पर, आया आवाजाही वाहनों की रुकी हुई है, काफी लंबा जाम लगा हुआ है इस समय, काफी पिछले घंटे से परिजन यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर जो रास्ता है उसको खोलने का प्रयास नहीं किया जा रहा, समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा? जी देखो, आगंतुकों को इसमें परेशानी तो है, लेकिन पुलिस द्वारा कुछ रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, उसके बावजूद भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, बड़ा पिछले घंटे से बड़ा भारी लंबा जाम लगा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहादुरगढ़ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जिले के टांडाहेड़ी गांव का है, जहां घरेलू कलह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायल महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं एसपी वसीम अकरम ने भी
थाना अधिकारी को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। परिवार का अंतर इंटरनल मामला है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। और उस महिला का अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था, उसके परिवार से ही कुछ संदिग्ध लोग हमारे को नजर में आ रहे हैं, हम उनकी तलाश, जो पारिवारिक मामला है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जींद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दवाई फैक्ट्री का पर छापेमारी कर दवाई की बड़ी खेप पकड़ी है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में एंटीबायोटिक दवाइयों को पैक कर सप्लाई किया जा रहा था। प्राइवेट स्कूल कैंपस में ड्रग फैक्ट्री चल रही थी। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि सामान्य अस्पताल के पीछे शोरान कॉलोनी में निजी स्कूल परिसर में दवाई निर्माण की फैक्ट्री चल रही है, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग के डीएसपी रविन्द्र कुमार निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान यह कार्रवाई की गई। आज सीएम फ्लाइंग जीन के साथ हमने यहाँ पे चौरान कॉलोनी में एक रवि हैं, उनके जो स्कूल भी है यहाँ पे, वहां पे रेड की है। तो वहां पे पीछे देखा तो काफी भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां बनाई जा रही हैं। इनके पास कोई भी अंग्रेजी दवाई को बनाने का लाइसेंस नहीं है और ना ही इन्होंने इस तरह की कोई परमिशन दे रखी है। यहाँ पे कई प्रकार की दवाइयों की पैकेजिंग चल रही है, कैप्सूल बन रहे हैं जो कि नकली हैं, जिनको हमने फार्म 16 पे और फार्म 17 पे सैंपल भी ले लिए हैं और इनको बरामद कर रहे हैं। आगे ये कार्रवाई जो भी पुलिस में कर रहे हैं। चलिए अब खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां धोखाधड़ी कर पैसे ठगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। आरोपी की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से भी नारनौल थाना में धोखाधड़ी कर पैसे ठगने के दो मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करते हुए उसके पास से 55 लाख रूपये बरामद किए। वहीं एएसपी सिद्धांत जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मिली शिकायतों के अनुसार आरोपी राजकुमार ने पीड़ित के बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर देकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए और इस बारे में घाटासेर निवासी पीड़िता सुमन ने बताया कि उनकी जमीन सरकार ने लॉजिस्टिक हब के लिए अधिग्रहण कर ली थी, जिसकी राशि प्राप्त करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाए थे। आरोपित ने खातों में अपने मोबाइल नंबर दे दिए और खातों से नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे निकालता रहा। इसी तरह घाटा से निवासी ममता ने शिकायत में बताया कि उसके पति सीआरपीएफ में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। आरोपी ने पीड़िता के अकाउंट और उसके पति के सैलरी अकाउंट में खुद के मोबाइल नंबर अटैच कराकर खातों से पैसे ट्रांसफर कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला इकोनॉमिक फ्रॉड से संबंधित है, जिसमें लगभग 2 करोड़ के फ्रॉड के संबंध में 2 FIR 31 नंबर और 153 नंबर 2022 की पुलिस स्टेशन सिटी नारनौल में दर्ज हुई थी। इसमें मुख्यतः किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही रिश्तेदारों के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर देके उन्हें ऑपरेट करके उन अकाउंट्स में से इलीगली पैसे निकालना या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पाया गया है। लगभग इसमें अब तक 55 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। एक व्यक्ति अरेस्टेड है इसमें, जो भी पुलिस रिमांड पर है उन्हें नियमानुसार कोर्ट में पेश किया गया है। तो महेंद्रगढ़ से ये ठगी का मामला सामने आया है।
चलिए अब खबर हिसार से है, जहां गांव खेदड़ में धरना कमेटी और साथ ही साथ आपको बता दें कि महापंचायत में बड़ा फैसला लिया है। धरना कमेटी ने बताया कि थर्मल प्लांट में आने वाली रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा, जिससे थर्मल प्लांट में आने वाली कोयला सप्लाई बाधित होगी। वहीं दूसरी ओर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, हल्का उखलाना से विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक और साथ ही साथ बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का पंचायती बहिष्कार किया गया। दोनों विधायक और मंत्री को गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। इसको लेकर डीएसपी नारायण चंद के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। तीस तारीख को खेदड़ गांव द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे। उसी को लेकर के गौशाला खेदड़ में एक बड़ी पंचायत हुई। धरना कमेटी के लोगों ने यहां पर निर्णय लिया है कि आज वो रेलवे ट्रैक को रोकेंगे। रेलवे ट्रैक वो ट्रैक रोका जाएगा जिससे थर्मल प्लांट में कोयला आता है, उसको आज रोक दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन समय के लिए उसको रोका जाएगा। जब तक इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक उसको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ अहम फैसले और लिए गए हैं जो स्थानीय यहां के विधायक है अनूप धानक, राज्य मंत्री बरवाड़ा से जो विधायक है जोगीराम सिहाग और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पंचायती तौर पर बहिष्कार करने की बात भी सामने आई है। कमेटी और पंचायत ने निर्णय लिया है कि गांव में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा और कुछ ही देर बाद ये लोग धरना स्थल से रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए चलेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। करनाल में एनडीआरआई के वैज्ञानिकों की टीम ने गाजर के खल से प्राकृतिक खाद रंग विकसित किया है और इस उपलब्धि पर एफएसएआई ने खाद अनुप्रयोगों के लिए पुरस्कार देकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया है। इस दौरान एनडीआरआई करनाल में निदेशक डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि एफएसएआई ने खाद अनुप्रयोग के लिए गाजर जैव अपशिष्ट से ग्रीन कैरोटेन के लक्षण वर्णन और वितरण पर किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। साथ ही डॉ. चौहान ने बताया कि इस पुरस्कार के तहत टीम को 5,00,000 पुरस्कार राशि के रूप में भी मिले हैं। जब हमने ये रिसर्च शुरू की तब हमारा मेन टारगेट ये था कि जनरली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें आर्टिफिशियल कलरेंट्स या सिंथेटिक कलरेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है। और ये सिंथेटिक कलरेंट्स अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करते हैं तो रिपोर्ट्स हैं कि दे आर पोटेंशियल थ्रेट्स हमारी हेल्थ के लिए, ये ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते थे काम करना नेचुरल कलरेंट्स पर। फिर बात हमने सोचा कि हम कौन सा नेचुरल कलरेंट लें, तो उसके लिए हमने कैरेट पोमेज जो गाजर का गूदा है उसका प्रयोग किया। गाजर का गूदा, जब हम गाजर का जूस निकाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसको गाजर का गूदा या फिर पिछले कई दिनों से भारी गर्मी झेल रहे भिवानी जिले में अब मौसम परिवर्तन की संभावना जताई गई है। 10 जुलाई तक जिले में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं तापमान 33 से 36 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया। इस बदलते मौसम में कृषि और मौसम विभाग की ओर से किसानों और पशुपालकों को कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं मौसम विभाग विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल का कहना है कि किसानों को अपनी फसलों के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग विशेषज्ञ ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 जुलाई तक कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम के बारे में किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि जैसे पिछले 5-6 दिन से बरसात हुई, आगे भी जो बरसात है वो 10 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
तो किसानों से यही आग्रह है कि वो बिजाई करते समय, जैसे अभी मूंग की बाजरे की बुआई का टाइम चल रहा है, तो उनको बिजाई करते समय इस परिवर्तनशील मौसम को ध्यान में रखें और हमारी जो मौसम पूर्वानुमान है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको फॉलो करते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।